दोस्तों आज आपको हम बताएंगे एक एक पैकेट दूध से 1 किलो रसमलाई कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और दोस्तों मिठाई तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ख़ास करके रसमलाई तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और आप मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट घर ही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रसमलाई तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक पैकेट दूध से ही तो हम दोस्तों बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक पैकेट दूध का लिया है, तो सिर्फ हम एक पैकेट दूध से ही बनाएंगे। और दोस्तों वीडियो को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और लाइक का बटन है पास में, लाइक भी करें। ये देख सकते हैं मैंने एक पैकेट इसमें दूध डाल दिया है भगोने में। तो दूध को अब हमें गर्म करने के लिए रखना है। तो ये मैंने लिए भगोने, तो मैंने गैस ऑन कर दिए, तो इसको हम उकाल आने तक गर्म कर लेंगे। तो दूध देख सकते हैं हमारा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं दूध उकाल आ चुका है। ये मैंने टाटरी ली है पीस करके, तो ये डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमें, एक साथ में नहीं डालना है, ताकि इससे बहुत ही अच्छी तरीके से दूध हमारा फट जाता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। तो दूध हमारा अच्छे से फट चुका है, इसको पीस करके ही डालना है। इससे बहुत ही अच्छा जो पनीर बनता है बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देख सकते हैं फट चुका है दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से, और सॉफ्ट भी फटा है। तो ये देख सकते हैं इतना पनीर हमारा निकल चुका है। तो अब इसको हम पानी को गैस को बंद करेंगे और इसका पानी को निकाल लेंगे, और पनीर को हमें बिल्कुल अच्छे से निचोड़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं पनीर हमारा अच्छे से, मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। तो आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी, हथेलियों की मदद से भी इस तरीके से बिल्कुल मैश कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो हम इसको हाथों की मदद से मेहनत नहीं करेंगे, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको हम पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक। तो ये पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट पीस करके तैयार हो चुका है। तो हमें इस टाइप का पनीर चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट पिसाइए। तो हमें कितना सॉफ्ट चाहिए बनाने के लिए। तो इस टाइप का आपको देख सकते हैं बिल्कुल चिकना चाहिए पनीर, ये देख सकते हैं एक भी इसमें दाना टाइप का नहीं है रसमलाई बनाने के लिए। तो अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिए चीनी, तो चीनी डालेंगे इसमें सबसे पहले। इसमें ये मैंने पानी लिया है, तो इसका डबल हम पानी डालेंगे। तो डबल मैंने पानी डाल दिया, तो चाशनी चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर। तो ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रख दिया है, तब तक हम रसमलाई तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम पनीर में हमें 1 चम्मच मैदा डालना है, और ये आपको नाप के ही लेना है। 1/2 चम्मच आरारोट पाउडर लिया है, देख सकते हैं आरारोट पाउडर, तो ये डालेंगे हमें। और अब इनको हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें। इस तरीके से हमें इसको चिकना करते रहना है बिल्कुल हाथों की मदद से ही। तो रसमलाई के लिए बैटर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं इसमें एक भी साइडों से जो दरार होती है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये तो हमारा तैयार है, अब हम चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी के अंदर देख सकते हैं अच्छे से उकाल आ चुका है, और चाशनी हमें बिल्कुल पतली चाहिए। इसकी अब हमें रसमलाई बनाना इस तरीके से तैयार करना है, और बिल्कुल गोल रखना है इसको, और इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे।
क्योंकि ये फूलने के बाद में डबल हो जाएंगे। तो ये हमारी इस टाइप से रसमलाई बनकर के ये देख सकते हैं मैंने बना ली। तो इसको मैंने गोल नहीं किया है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैंने दबा लिया है। तो अब इसको हम चाशनी के अंदर डालेंगे। तो ये मैंने एक पहले से डाल के देख लिया था, तो इसको भी हम डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम इस टाइम आप फुल रख सकते हैं। और अब इसको आप 20 मिनट के लिए ढक के पकाना है बिल्कुल फुल फ्लेम पे, और इसको हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल फुल रखना है। तो ये मैंने छोटा साइज का डाला था, ये फुल करके इतना साइज का हो चुका है देख सकते हैं। इसको फूल देते हैं, तो ये देख सकते हैं इनका बिल्कुल साइज बड़ा हो चुका है ये फूल करके। एक गिलास मैंने पानी का लिया था, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहना है ताकि हमारी चाशनी गाढ़ी होने लग जाती है। तो चाशनी को बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं करना है, और फिर से हमें ढक के पकाना है। तो फिर से इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया, इस बगल में हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, आधा कप के लगभग है। और ये मैंने लिया है दूध वाला मिल्क पाउडर, तो इसमें हम डाल देते हैं। और इसी की नाप का मैंने इसमें पानी लिया है, और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। इसको फेंटेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं पड़े हैं देख सकते हैं, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। तो जब तक हमारी रसमलाई बनकर के तैयार होती है, तो इसको भी हम गरम कर लेते हैं दूसरी गैस पे। इसको भी इस गैस पे हमने रख दिया है, और इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। थोड़े से इसमें केसर के धागे डालेंगे, और ये मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, तो ये भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम ही रखा है। तो ये दूध हमारा अच्छे से उकाल आ चुका है देख सकते हैं। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो जो मैंने रसमलाई बनाई थी वो इसमें हम डाल देते हैं इस तरीके से। और इसको थोड़ी देर के लिए और हमें गाढ़ा कर लेना है। तो केसर से देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और हमारी जो रबड़ी है वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा गाढ़ी भी होने लगी है देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमें और पकाना है ताकि इनके अंदर भी अच्छे से चाशनी जा सके। और इसमें हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं, थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। इसको हमें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करना है। आपको जितनी गाढ़ी बनाना आप रख सकते हैं देख सकते हैं। तो गैस को अब हमें बंद करना है, और इसको निकाल करके सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने प्लेट ली, तो गर्मा गर्म हमारी रसमलाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी रसमलाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर के तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, खाने का मन कर रहा है। तो आप इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से रसमलाई घर में बना करके खा सकते हैं। तो हमारी सिंपल तरीके से रसमलाई बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।